92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस युग में सोसाइटी की किटी का अपना ही मजा है। कुमार साहब की सोसाइटी में भी महिलाएं सालों से एक बड़े फंड की किटी चलाती आ रही थी। यूं तो हर महीने किसी ना किसी को किटी खुलने का इंतजार रहता, पर पता नहीं क्यों इस बार मिसेस खन्ना और मिसेस मेहरा दोनों अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मिसेस खन्ना को पूरी उम्मीद थी कि किटी की पर्ची में उन्हीं का नाम निकलेगा, और दूसरी तरफ मिसेस मेहरा भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार बैठी थी। दरअसल साल भर अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स जमा करने के बदले एक साथ मिलने वाले 10 लाख रुपए गिनने का रोमांच था ही ऐसा जिससे शायद ही कोई बच पाए। अब क्या पता उस रोमांच ने मिसेस खन्ना को कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड कर दिया था या फिर उनकी जरूरत ने, पर वो अपनी किस्मत का गुमान करते हुए बोली, देख लेना इस बार तो मेरी ही किटी खुलेगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो सोचा वो ना हुआ। मिसेस मेहरा तो मानो मिसेस खन्ना का गुमान तोड़ने के लिए तैयार बैठी थी। वो झट से बोली, किस्मत का ऐसा नाज भी ठीक नहीं मिसेस खन्ना। प्यार और किस्मत की नैया वहीं जाकर डूबती है जहां पानी कम होता है। मिसेस मेहरा, आपकी नैया डूबती होगी किनारे के पास आकर, हम तो हर बार पार लग जाते हैं। मिसेस खन्ना का ये कहना था और कुमार साहब की सोसाइटी की महिलाओं के बीच अपनी किस्मत को बुलंद साबित करने का घमासान शुरू हो गया। किस्मत की इस लड़ाई में कौन कौन से दिलचस्प मोड़ आए और जीवन की कौन सी सीख पर जाकर ये तूफान थमा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे की कहानी में। फिलहाल सुनिए ये गाना ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना अपनी किस्मत पर इतराते हुए मिसेस खन्ना ने मिसेस मेहरा को जैसे ही नीचा दिखाया, कुमार साहब की सोसाइटी की महिलाओं में किस्मत को लेकर घमासान शुरू हो गया। अब आगे मिसेस खन्ना के ताने ने अपना काम कर दिया था। मिसेस मेहरा तिल मिलाकर बोली, ज्यादा मत इतराइए, ये तो खन्ना साहब की किस्मत है। मैं तो फिर भी वर्किंग हूँ, आप अपनी सोचिए, आप तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं। जो कुछ करते हैं बेचारे मेहरा साहब करते हैं। अपनी अपनी किस्मत को ऊंचा बताने की होड़ में मिसेस खन्ना और मिसेस मेहरा की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। इसी बीच सोसाइटी का गार्ड सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों चुप हो गईं। जब तक वॉचमैन सबको चाय के कप थमाता रहा, मिसेस कुमार को ये झगड़ा शांत करने का मौका मिल गया। छोड़िए भैया आप दोनों ये किस्मत पर यूं झगड़ना, हम तो बस इतना जानते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन मिसेस कुमार को कहां पता था कि गार्ड के जाते ही मिसेस खन्ना उन्हें ही निशाना बना देंगी। मिसेस कुमार, अगर मेहनत से किस्मत बनती है तब तो इस वॉचमैन की किस्मत बुलंद होनी चाहिए। बेचारा डबल ड्यूटी करता है कि नहीं, बोलिए बोलिए ना। मिसेस कुमार चुप। उनकी समझ में नहीं आया कि मिसेस खन्ना को वो क्या जवाब दें। उस दिन तो वो चुप हो गईं। पर किटी पार्टी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मिसेस खन्ना, मिसेस मेहरा और सोसाइटी की बाकी महिलाएं किस्मत को लेकर अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो गईं। किटी पार्टी के दिन किस्मत ने कैसा मोड़ लिया, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल सुनिए फिल्म आनंद का ये गाना मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आप सुन रहे हैं अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना मिसेस खन्ना और मिसेस मेहरा की किस्मत का मुकाबला उनके नाम की किटी निकलने पर टिका था, और इस मुकाबले में मेहनत की पैरवी करने वाली श्रेया को भी मिसेस खन्ना ने निशाना बना लिया था। अब आगे किटी वाले दिन कांच के बोल में उन किटी मेंबर्स के नाम की पर्चियां डाली गईं जिनकी किटी निकलना अभी बाकी था। मिसेस खन्ना और मिसेस मेहरा अब भी अपनी किस्मत पर वही गुमान और अकड़ दिखा रही थी जैसा वो हमेशा दिखाती आई थी, और मिसेस कुमार चुपचाप बैठी दोनों की किस्मत का मुकाबला देख रही थी।
लेकिन इससे पहले कि कोई छोटा बच्चा किटी जीतने वाले के नाम की पर्ची निकालता, रिफ्रेशमेंट्स के बड़े बड़े पैकेट लेकर सोसाइटी का वॉचमैन पहुंच गया। किटी पार्टी के लिए लाया हुआ नाश्ता और बाकी चीजें उसने हॉल में रख दी। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। हेलो कहकर वॉचमैन ने फोन रिसीव किया। फोन पर जो सुना उसके बाद वो अपनी खुशी नहीं रोक पाया। उस हाई प्रोफाइल किटी पार्टी में वो वॉचमैन मारे खुशी के नाच रहा था। मैडम जी हमारी तो जिंदगी बदल गई मैडम जी, हम अभी आकर आप लोगों का मुंह मीठा करवाता हूँ। उस वॉचमैन की किस्मत क्या वाकई किटी पार्टी में किस्मत आजमाने वाली महिलाओं से भी ज्यादा बुलंद थी, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल सुनिए ये गाना ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना उस महीने की किटी पार्टी में मिसेस खन्ना और मिसेस मेहरा को किस्मत के मेहरबान होने का इंतजार था, लेकिन किस्मत खुलने पर सोसाइटी का वॉचमैन खुशी से नाच रहा था। अब आगे। अरे मैडम जी हमारी बिटिया डॉली ने बिहार सिविल परीक्षा में टॉप किया है, टॉप। अरे वाह काका, बहुत किस्मत वाले हो आप तो। मैडम जी जिसकी ऐसी बेटी हो उसे बेटों की क्या जरूरत, पर कितना बदकिस्मत हूं मैं मैडम जी, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ सुख सुविधाएं नहीं दे पाया। ये तो उसकी मेहनत है मैडम जी जिसने अपना रंग दिखाया। हमरी डॉली ने अपनी किस्मत खुद बनाई मैडम जी। इतना कहने के बाद वॉचमैन मुड़ा और जाने लगा। जाने से पहले बोला, आप सब हो तो यही है ना, हम अभी मिठाई लाते हैं, आप सबका मुंह मीठा करवाए बिना हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वॉचमैन के जाने के बाद एक छोटी बच्ची ने बाउल से उस महीने की किटी जीतने वाले के नाम की पर्ची निकाली, लेकिन उस पर्ची पर ना तो अपनी किस्मत पर इतराने वाली मिसेस खन्ना का नाम था और ना ही उन्हें समझाने वाली मिसेस मेहरा का। उस एक घटना ने वहां मौजूद कई महिलाओं को किस्मत को लेकर अपनी सोच पे सोचने को मजबूर कर दिया। किस्मत पर मचे पूरे झगड़े को चुपचाप देखती आई मिसेस कुमार भी उस दिन चुप नहीं रह पाई। उन्होंने स्पेशली मिसेस खन्ना और मिसेस मेहरा से अटेंशन मांगकर सबके सामने अपना एक्सपीरियंस रख दिया। श्रेया बोली, देख लिया मिसेस खन्ना, किस्मत कभी ना कभी उनका साथ जरूर देती है जो पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। दोस्तों मिसेस खन्ना की तरह कितने ही लोग अपनी बुलंद किस्मत पर इतराने लगते हैं, पर याद रहे किस्मत के भरोसे बैठने वाले अपनी मंजिल पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अपनी इच्छाओं और उम्मीदें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कभी ना कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। सोचेगा जरूर। आज के लिए इतना ही। मैं सौरभ राज जैन जल्द ही आपके सामने आऊंगा जीवन को सही अर्थ देने वाली कुछ और प्रेरक कहानियां लेकर। आप बस सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।